हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा मंडे है, तो मंडे को पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल सिस्टम से क्लास रहता है। इसमें हम संघीय मंत्री परिषद के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लिए थे। आज कुछ उप प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले उनसे अनुरोध है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो उप प्रधानमंत्री की बात यदि कहा जाए दोस्तों, तो उप प्रधानमंत्री का ऐसा कोई प्रावधान संविधान में है नहीं, ठीक है ना। तो समय समय पे मंत्रिमंडल द्वारा, ठीक है, या सत्ताधारी सरकार के द्वारा उप प्रधानमंत्री का पद क्रिएट किया जाता रहा है, ठीक है ना। और उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक है, यहाँ कोई संविधानिक नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं उनकी परिस्थिति मतलब स्टेटस होता है, यानी उनका लेवल क्या है, क्रम क्या है, तो वो मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों के समान ही होता है। लेकिन थोड़ा सा अंतर ये होता है कि यदि देखा जाए व्यवहारिक रूप से, तो ये देखा जाता है कि प्रधानमंत्री के बाद उसका स्थान दूसरा माना जाता है। दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि वो मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ मंत्री होता है, ठीक है। और इसका जो शपथ होता है वो उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेता है, मंत्रिमंडल के बाकी मंत्री जिस प्रकार से शपथ लेते हैं इनका शपथ ग्रहण भी उसी प्रकार से होता है। लेकिन बस वही प्रधानमंत्री के बाद इसका दर्जा व्यवहारिक रूप से दिया जाता है दूसरा। और एक तरह से मंत्रिमंडल में यदि उनकी पद की बात किया जाए, उनके रेंज की बात किया जाए, स्टेटस की बात किया जाए, तो सभी मंत्रियों में वरिष्ठतम मंत्री की बात कह सकते हैं। अब प्रधानमंत्री का काम क्या होता है, उप प्रधानमंत्री का काम क्या होता है, तो उप प्रधानमंत्री का काम यही होता है कि जब प्रधानमंत्री अनुपस्थित रहे तो उनके द्वारा किए गए कार्यों को ये करता है। और दूसरी बात, ये सवाल उठता होगा कि यदि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में तो काम कर लेता है उप प्रधानमंत्री, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो क्या उप प्रधानमंत्री काम करेगा। तो हम जानते हैं कि उप प्रधानमंत्री की यदि मृत्यु होती है तो वो मंत्री परिषद का सदस्य होता है, उस स्थिति में मंत्री परिषद भंग हो जाता है तो उप प्रधानमंत्री उस जगह पे काम नहीं करेगा। अब कुछ डेटा देख लेते हैं कि अभी तक कब कब उप प्रधानमंत्री के पद को क्रिएट किया गया है। तो अब तक 7 बार मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री के पद को क्रिएट किया गया था, किंतु व्यक्ति 8 हुए। ऐसा इसलिए होता है कि मोरारजी देसाई के शासनकाल में उप प्रधानमंत्री बने थे, चौधरी चरण सिंह वरिष्ठम बने थे और जगजीवन राम को कनिष्ठ यानी 2 प्रधानमंत्री को बनाया गया था। इसी प्रकार एक व्यक्ति और है, चौधरी देवीलाल को भी 2 बार उप प्रधानमंत्री बनाया गया है, बीपी सिंह और चंद्रशेखर के काल में बनाया गया है चौधरी देवीलाल। तो इस प्रकार से अभी तक 7 बार उप प्रधानमंत्री के पद को क्रिएट किया गया है। अगले बार देखेंगे मंत्री परिषद से रिलेटेड, उसमें हम मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल 2 टर्म आता है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, इसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद संसद के बारे में पढ़ेंगे, संसद जो है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको भी डिटेल से चलेंगे इसी प्रकार से। तो हमारे वीडियो में आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।